बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड है और हमें काफी ज्यादा सजेस्ट भी की जा रही थी। टाइटल क्या बताएंगे मौजम? टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन्ड व्हाई पाकिस्तान हैज जीरो मनी अभी एंड न्यू। ओके तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इम्पोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार, ये वीडियो होते काफी छोटा है लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? Point by point, मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजली 4-6% रहता है कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट पाकिस्तान पाई पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। पॉलिटिकल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स भी। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है जो इतनी इंटरेस्टिंग है दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। बट आज के वीडियो में हाईलाइट समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म दैट इज 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, इधर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कूप की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्टीव क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजंस लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स $90 बिलियन के आसपास। यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और $90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का GDP है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट।
और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है, जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 5.8 बिलियन US डॉलर्स बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकाल कर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो काफी ट्रैजिक। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान 30 बिलियन डॉलर्स का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हैवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग-अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सी, द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज फार फ्रॉम ओवर। आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को $10 बिलियन डोनेट किया। ये कोई लोन नहीं, मदद और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा, और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। अब POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है और समझदार को इशारा काफी है डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करने के लिए। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहां इस इमेज को गौर से देखिए, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली, तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान है, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, हमारे नेबर्स के बारे में कुछ समझा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाकिस्तान 2023 में जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम भारत पाकिस्तान के रिलेशंस, हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में काफी वीडियोस लाने वाले हैं। बिकॉज एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्टिंग बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। डिड यू नो कि USA और पाकिस्तान की एक अलग ही लव स्टोरी चल रही है, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 महीने पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, हमने इस वीडियो में समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात की जाए तो वो मेरा ख्याल है कि अब किसी से भी जो है वो ढकी छुपी नहीं। इवन कि पाकिस्तान के अपने लोगों से बात करें तो लोग जो हैं अब आगे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत वर्स इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो फेस करने वाला है। वेल, मुझे ये लगता है कि लोगों में अगेन एक्सेप्टेंस अगर आ रही है तो उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आनी चाहिए। अभी अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडर्स को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट का किसी को भी नहीं पता। समहाउ मैं ये जरूर कहूंगी कि ठीक है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और वो कोशिश भी कर रही है। जैसे अभी फूड क्राइसिस को हम लोग देख लें, या फिर हम लोग देखें कि तालिबान की तरफ से जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, और या फिर हम ये देखें कि मतलब आपको पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सो साइड बाय साइड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लेकर चल रहे हैं। फूड क्राइसिस को लेकर काफी सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई थी,
एंड सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कोई भी अपने मुल्क के लोगों को इस तरह की सिचुएशन में नहीं देखना चाहते, स्पेशली फूड क्राइसिस। मुझे लगता है कि ये एक इतनी तकलीफ वाली बात है कि जिसके घर में खाना नहीं होता उसको ही इस तकलीफ के बारे में आइडिया होता है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को, या क्योंकि इंसान खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चों को ना वो भूखा नहीं रहने देता। तो मुझे बहुत दुख हुआ था ये देखकर के जो हमारे लोग हैं, और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पंजाब में ये चीज़ें हों, मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हर हिस्से में इक्वली लोगों को ट्रीट करना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उनका फ़ायदा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लोग जो हैं वो ही प्रिविलेज रहें, क्योंकि जब जब ज़्यादतियाँ होती हैं तभी लोग जो हैं वो फिर आप देखें कि सर उठाना शुरू हो जाते हैं या फिर वो अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप हर जगह पर डेवलपमेंट करोगे, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, तो फिर लोग क्यों नहीं खुश होंगे। बिल्कुल यार, सबसे पहले मैं फूड की यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले दिनों ऐसे वीडियोज जो हैं वो देखने को मिले इंटरनेट पर, जिसे देख कर ना आप वाकई एक बार सोचते हैं कि अब मुल्क हमारा किस तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड मैंने ऐसी वीडियोज भी देखी जिससे देख के आपको ये रियलाइज होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो आर्टिफिशियल जो तरीके से वो बनाई जा रही हैं। अभी जैसे पिछले दिनों जहाँ पर बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखने को मिली जहाँ पर लोग जो है वो आटे की एक बोरी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ट्रक्स के पीछे उन्होंने बाइक्स लगाई हुई है। ऑन दी अदर साइड मैंने ऐसी भी वीडियोज देखी कि जो इलीगल तरीके से जो स्मगल हो रही है जो जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, कि भाई यहाँ पर ना वो जो हमारे यहाँ पे जो मुर्गियां सप्लाई होती हैं ना उस टाइप का जो डाला होता है, ठीक है ना, जो गाड़ी होती है उसमें सिर्फ ड्राइवर सिर्फ वो अकेला बैठा, बाकी पूरी गाड़ी जो है ना उसकी वो गंदम की बोरियों से भरी हुई है और वो स्मगल हो रही है, ठीक है ना। काम किसका है उस चीज पर? वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करती है कि भाई क्यों जो है वो इलीगल तरीके से जो स्मगल हो रही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग जो है वो करप्शन करते हैं और वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो चीजें जो है वो इस तरह होती हैं। इवन कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भाई पाकिस्तान जो है वो इतना प्रोड्यूस कर लेता है कि अपनी जरूरत की जो जैसे गंदम है, ठीक है, और चावल है, वो अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हर साल करता है। लेकिन हमें हर साल जो है ये शॉर्टेज देखने को मिलती है कि भाई ना हमारे पास चावल है ना हमारे पास गंदम है, कहाँ जाता है ये समझ नहीं लगती। इवन के ऐसी ऐसी तस्वीरें भी जो है मैंने देखी जो वायरल हो रही हैं, वो अब की नहीं बल्कि पहले की हैं, कि जो सिंध में जो है जो गवर्नमेंट के गोदाम है वहाँ पे पड़े पड़े जो है वो खराब हो गई गंदम, ठीक है, लेकिन लोगों तक जो है वो नहीं पहुँची। देखा जाए तो अगर बात करूँ तो भाई अगर आप रीजनल लेवल पर देखें तो एक प्रोविंस के लोगों को दूसरे प्रोविंस के लोगों से कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जो फ़र्क डाला जाता है ये पॉलिटिशियंस की तरफ से डाला जाता है या उन लोगों की तरफ से डाला जाता है जो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। हालांकि अगर यहां पर काम हो रहा है तो वहां पर भी काम हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों यार इतना ज्यादा क्योस जो है वो मचा हुआ है हमारी सोसाइटी में, क्यों जो है वो गवर्नमेंट सोई हुई है, क्यों, यानी कि अभी जैसे रिसेंटली बात हो रही है इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं, तो भाई इलेक्शन करवाने में भी अच्छा खासा आपका पैसा जो है वो खर्च होता है, आपकी इकॉनमी जो है एक तरह की स्टॉप हो जाती है। तो बजाय इसके कि भाई इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं आप एक दूसरे के साथ सर जोड़ें, आपको यही पड़ा वेस्ट स्टील के भाई हमें जो है किसी तरह जो है वो कुर्सी मिल जाए। लेकिन इसके अलावा मौसम मैं एक चीज़ बोलूँगी, जैसे मौसम बोला कि गोडाउन में आपको गंदम जो है वो खराब हो रही है, चलो मुझे पता कि पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं इंस्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो एक क्योस जो है वो पैदा किया जा सके जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, वो चीजें होती हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम है एक्शन लेना और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। फिर दूसरी बात, जो बाकी सारे जो मैं कहूंगी कि प्रोविंस है वहां पर काम होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मानती हूं, लेकिन उनके लिए बजट भी तो अलाउ करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि सिर्फ आप एक प्रोविंस तक आपने मतलब बाउंड कर लिया कि हम सब कुछ यहां पर करेंगे। सो लोगों में भी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और एट द सेम टाइम लोगों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि भाई हम लोगों ने काम कैसे करवाना है, हमें हर चीज में टैक्स लगकर आ रहा है और हम लोग पे भी कर रहे हैं, तो हमें वो फिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। लेकिन एक और चीज मैं बोलूंगी कि मुझे एक आम नागरिक होने के नाते बिल्कुल भी ये तकलीफ नहीं होगी कि जैसे इसमें बोला ना इन्होंने कि हम लोग मतलब चाय की एक प्याली की दो प्याली की जगह पर एक प्याली कर ले, मुझे लगता कि चलो ठीक है इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप मुझे उसका कोई सलूशन दो। मेरी डिमांड ये होगी फिर एक पॉलिटिशियन से कि भाई या तो आप उसको फिर आने वाले टाइम में अपने कंट्री में कुछ इस तरीके से आप करें,
कि हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि जितने हमारे रिजर्व हैं उनसे ज़्यादा तो हमारा डेट है, उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंस हैं। तो फिर किस तरीके से लोग जो हैं वो आप उनको कन्विंस करेंगे? आप हर चीज़ में अगर कह देंगे कि भाई ये काम करो ही ना, ये काम ही ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। लोगों में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि ठीक है हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें टाइम देंगे विद इन दीज ईयर्स आप हमें कोई रिजल्ट दिखाएंगे। और जहाँ तक बात आती है कि एक इंस्टेबिलिटी की बात आती है, उसके पीछे जैसे भी रीज़न रहती है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, मैं ये बात सोचती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सामने आकर क्यों नहीं लोगों को इतने सालों से बता रही थी कि भाई कौन है इनके पीछे के जो इनको पावर में नहीं रहने देता, या वो क्या रीजंस हैं? उनको लोगों के साथ फेयर होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर बंदे के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसकी वजह पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन लोगों ने कभी भी लोगों के साथ सिंसियर होकर कभी कोई चीज़ की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टैंड नहीं लेंगी और थोड़ा सब बोल्ड होकर सामने नहीं आएंगी लोगों के, ये कुछ भी कर सकती हैं। इमरान खान की मैं बात करूं तो उन्होंने ये किया था, जहां तक मुझे लगता है उनकी स्ट्रेटजी, उन्होंने बाकी सबको विलन बना दिया और खुद बोल्ड एक स्टेटमेंट देकर लोगों के सामने हीरो बन गए। सिर्फ स्टेटमेंट देने से तो कुछ नहीं होता, आप काम करके दिखाएं, आपने काम तो कुछ किया नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जो पाकिस्तान का डेट था वो भी डबल कर दिया, और उसके साथ साथ जो एक हम कहेंगे पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेसी हम कहेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वो भी खराब कर दी। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीते हैं तो आप बाकी सारे कप भी जीत सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज अगर उसमें है तो आपको। अब आई थिंक पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, और उसमें आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, और लीडर मुझे लगते हैं कि वही होते हैं जिनमें पेशेंस होता है, क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं जहां पर आपको बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। बट मैं इमरान खान में कोई ऐसा एक भी मैं कहूंगी कि करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखती जहां पर मुझे लगता हो कि वो बहुत अच्छे लीडर है। वो बहुत अच्छे शायद बहुत सारे लोगों के लिए ओरेटर हो, मुझे उनकी स्पीचेज इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि आपकी जनरेशन को मतलब मुझे लगता है कि तमीज के दायरे से बाहर निकल कर होती है। सो मुझे वो पसंद नहीं आती। बाकी पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, अगर जैसे इनको अभी हम कहेंगे कि एक डोनेशन मिला है, अगर ये लोग चाहें तो इसको भी अच्छे से यूटिलाइज करके तो कुछ तो बेहतरी कर ही सकते हैं ना। क्योंकि देखो जितना हमारा हम कहेंगे फ्लड में एक तरह से हम कहेंगे कि नुकसान हुआ है, नो डाउट वो तो बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं पर तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि आप थोड़ी बहुत कुछ बेहतरी कर सकें। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भाई बिंग पाकिस्तानी मैं यही दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और आम लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हों, क्योंकि आम लोगों का सबसे बड़ा मुझे लगता है गलती यही रही है कि उन लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, तो उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि अपने राइट्स के लिए कैसे बात करनी है। सो इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो एक गरीब के घर में प्रॉब्लम चल रही होती है वो उसी को पता था, किसी लीडर को नहीं पता होता। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि ये जो डोनेशन मिला है इसके बाद जो हालात है वो कुछ बेहतर हो सकते हैं, या क्राइसिस से पाकिस्तान निकल सकता है। और इसी के साथ हमें जल्द हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।